आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक स्वार के गांव लाडपुर बीबी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 40 किलोमीटर और ब्लॉक से 20 किलोमीटर है। इस गांव के प्रधान प्रेम सिंह हैं। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर पर बांधा है। इन्होंने अपने गाँव में काफी अच्छा विकास कराया है। ये गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। तो आइए जानते हैं 4 वर्षों में इन्होंने कितना विकास इस गाँव में कराया है और अभी भी किस किस समस्या से गाँव जूझ रहा है। सुनते हैं प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक स्वार के लाडपुर बीबी गाँव में। यहाँ प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ पर 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने अब तक गांव में करवाए हैं? मैंने सीसी रोड कराए हैं, टाइल्स बिछवाई है जी, और हमारे स्कूल में टाइल्स बिछवाई, स्कूल की मरम्मत कराई, आंगनवाड़ी की मरम्मत करवाई जी, 200 शौचालय बनवाए, ODF हो गई ग्राम पंचायत जी, आवास भी मिले हैं क्या यहाँ? आवास नहीं बने हैं। कितने गरीब पात्र अभी ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत? कम से कम 50-55 आदमी ऐसे हैं जो आवासों की जरूरत है। यहाँ सीसी टाइल्स कार्य आपने जो करवा दिया है, तो क्या गांव में अभी भी कच्चा रास्ता बाकी है? हाँ, कच्चा रास्ता। कितना है? मीटर सीसी से पक्का हो जाएगा आपका गांव? 400-500 मीटर तो होनी चाहिए। 400-500 मीटर होनी चाहिए अभी। और यहाँ स्कूल पर आपने जो कार्य करवाए हैं, जो सौंदर्यीकरण करवाया है, क्या उससे आपको कोई बदलाव नजर आया गत वर्षों से? जो पहले बहुत पूरा बदलाव, और अब में छात्रों की संख्या बढ़ी है, छात्रों संख्या शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, पहले शिक्षा का भी हुआ, खाने में भी खाने में सब बेहतर रहता है, बेहतर रहा है। क्या आप बीच बीच में जाकर वहाँ निरीक्षण करते हैं? बिल्कुल निरीक्षण करता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, और स्कूल भी पहले से बहुत ही अच्छा है जी। यहाँ पर नाली निर्माण वगैरह भी आपने करवाई होंगी? नाली भी बनवाई है, कार्य भी चल रहा है। अच्छा, सरकारी बिल्डिंग में यहाँ गांव में बारात घर है जी? नहीं, पंचायत घर, आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी लालपुर में है, यहाँ पर नहीं है। खेल का मैदान भी नहीं है। शमशान घाट, कब्रिस्तान, शमशान घाट भी नहीं है। कब्रिस्तान तो मंदोन हो गए हैं, वो लालपुर में, वो भी कच्चे ही हैं। तो शमशान घाट कितनी दूर, अंत्येष्टि स्थल के लिए कितनी दूर आपको यहाँ से जाना पड़ता है? मतलब ऐसे तो यहाँ नदी के किनारे जाएंगे तो कम से कम 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, पर ना तो 500 मीटर भी ना, 300-400 मीटर है, तालाब है। तो क्या आपने कभी सरकार से यहाँ अंत्येष्टि स्थल के लिए कोई मांग प्रस्ताव नहीं रखा? मांग मैं करी थी, शमशान घाट की भी मांग करी है, आंगनबाड़ी की भी मांग करी है मैंने, मतलब उससे पटवारी से कहिए कई बार, मतलब भाई प्रस्ताव दे दे। तो कोई कार्रवाई अभी तक? हाँ, उसके आने वाले केंद्र की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अजय रही शमशान घाट की, वो मैंने सेक्रेटरी से बोला है, तो बोला भाई प्रधान जी बात ऐसी जो कर रहे हो, जो कार्य दे दिया है आपने, निर्णय दे दिया है, ये जो कार्य कर रहे हो। गाँव में आप क्या समस्या, मतलब आपको लगता है कि ज़्यादा गाँव को और विकसित बनाने के लिए, गाँव में विकास होने के लिए क्या क्या ऐसी ज़रूरतें हैं जो आप कहना चाहेंगे सरकार से कि आपके ग्राम पंचायत में वो खास तौर से ध्यान दें? आप पहली बात तो है पानी की जी, यहाँ पानी की नल बिल्कुल है, रिवॉर भी कहते कहते परेशान हूँ, पेयजल की दिक्कत है यहाँ जी, हम ये गांव इतने परेशान है पानी से, नल नहीं है कोई भी, एक दो नल है वो इसी से हैंडपम्प जी, हाँ जी, नल नहीं लगे, रिवॉर भी नहीं हुए। अच्छा, मैं तो उनसे बात हूँ। दूसरी जो 55 संख्या मैंने दी है आवासों की, आवासों जो गरीब हैं, कच्चे घर हैं, मानक पात्र हैं, हाँ उन्हें आवास हो जाता है जी, और ये 500-600 मीटर ये सीसी हो जाए, टैल्स हो जाए जी, तो यह हो सकता है मेरा गांव एक 300 मीटर कच्चा रास्ता रोड से मिलने के लिए वो मिल जाए जी, मेरा गांव स्वच्छ हो जाएगा। बारात घर, पंचायत घर के लिए भी आप? हाँ, बारात घर भी नहीं है, बारात घर की भी मांग करी है मैंने, पंचायत घर भी नहीं है, मतलब ये हो जाएगा तो अच्छी बात। जैसा कि आपने देखा प्रधान जी से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास यहाँ प्रधान द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी कार्य, नाली निर्माण, आवास यहाँ गांव में नहीं मिल पाए हैं ज़्यादा लोगों को, शौचालय से ये गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है। यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी विकास हुआ है, परंतु कुछ मूलभूत समस्याएं आज भी यहाँ मौजूद है, अभी भी यहाँ लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि पानी की यहाँ बहुत बड़ी समस्या बताई जा रही है, पीने का पानी यहाँ दूषित भी है और रीबोर की भी यहाँ समस्या है, नहीं हुआ है अब तक, काफ़ी हैंडपम्प की यहाँ प्रधान मांग करते हैं,
और इनकी प्रमुख मांग यहाँ प्रधान की जो है बारात घर पंचायत घर को लेकर है। लगभग 55 गरीब पात्र यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रधान मूल रूप से यहाँ अपनी आवश्यकता रखते हैं। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टूडे रिपोर्ट से। क्या नाम आपका? प्रीतम सिंह। कहाँ रहते हो? क्या विकास करा गया है प्रधान जी द्वारा यहाँ? विकास साहब प्रधान जी बहुत बढ़िया करा रहे हैं। पहले बहुत कीचड़ रहती थी, मेरा गाड़ा रहता था, अब बहुत बढ़िया शहर मोहल्ला का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है।